निवेशकों के बीच में दो सेक्टर बीच में बहुत फैंसी रहे, मतलब एक डिफेंस और पीएसयू, लेकिन अब जा करके उन्होंने थकाना शुरू कर दिया है निवेशकों को। अब वो पूछ रहे हैं, अब मेरे शेयर घट रहे हैं, अब हम क्या करें? तो क्या ये कहा जा सकता है कि डिफेंस और पीएसयू ये दो ऐसे सेगमेंट हैं जहां पे मार्केट ने बहुत ज्यादा जो रिटर्न देना था दे दिया, अब उनके आराम करने का समय है या नीचे आने का समय है और उनकी तेजी पूरी हो गई है? नहीं, आराम करने का समय है ऐसा कह सकते हैं, पर तेजी पूरी हो गई शायद हमें नहीं लगता, जी क्योंकि रनवे और ग्रोथ बहुत लंबा है ऐसा हमें लगता है। सो अगर आप हमारे कोई भी फंड को देखोगे तो उसमें कुछ ना कुछ डिफेंस का परसेंटेज आपको दिखेगा। सो वी कंटिन्यू टू बिलीव इन दी स्टोरी, पर यू नो इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना चाहिए, अगर वो बहुत ही नैरो थीम में जाते हैं और वो थीम कुछ समय के लिए ठंडी पड़ जाए तो उन पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। डिवर्सिफाइड फंड जहाँ पे कि मैनेजर मैनेज कर रहा है, मे बी अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट, वो एक ख्याल रखें। दूसरी स्पेस पीएसयू की है, तो कई सारी डिफेंस कंपनियां पीएसयू हैं, तो वो तो हमको अच्छी लगती हैं। बट बाकी अगर मेटल माइनिंग वाले पीएसयू हैं या फिर बैंक वाले पीएसयू हैं, तो उनमें शायद एक वैल्यूएशन अपटेक आ चुकी है। पीएसयूज में जो ग्रोथ आती है वो इकोनॉमी की दर पे ही आती है, उससे ज़्यादा नहीं आती है यूजुअली स्पीकिंग। तो वो ग्रोथ इन्वेस्टर्स के लिए कम अप्रोप्रिएट होते हैं, वैल्यू इन्वेस्टर के लिए ज्यादा होते हैं। अभी 4.5 साल से वैल्यू एज एन इन्वेस्टमेंट स्टाइल चल रही है, तो मुझे लगता है कि बाजार में वैल्यू कम है, अब कम हो गई है। एंड सेम मे बी ट्रू फॉर लॉट ऑफ पीएसयू स्पेस, जो कि पहले डीप वैल्यू प्रेजेंट कर रही थी, अब ऐसा नहीं है।